कोशिश करें कि इख्तलाफी मसाइल से बचें और उसमें झगड़े नहीं और उसको बहुत इशू नहीं बनाएं। खास तौर पर हमारे यहाँ जिस मौजू पे बहुत रमजान में झगड़ा होता है वो तरावी की तादाद है। उसमें आप लोगों को उनकी सहूलत पे छोड़ दें, उनका पीछा ना करें कि वो इतनी पढ़ें या उतनी पढ़ें। ये ऐसी चीजें नहीं हैं कि जिस पर हम आपस में दिल बुरे करें और मुसलमानों की इज्तिमाईयत में खलल आए और एक दूसरे पर हर्फ उठाएं, क्योंकि ये तकवा के खिलाफ है। क्यों कहा गया कि जो कोई रोजे में हो तो उसे क्या करना चाहिए, उससे शोर शराबे और लड़ाई झगड़े से परहेज करना चाहिए। और अगर कोई उससे लड़ने झगड़ने को आए तो फल यकुल इन साइम कि मैं तो रोजे से हूँ, मैं तो इस पर बहस नहीं कर सकता, मैं झगड़ा नहीं कर सकता, जो तुम्हारा दिल चाहता है वो तुम कर सकते हो। बुनियादी तौर पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो चीज साबित है कि रमजान और गैर रमजान में आप जो थे वो 8 रकत पढ़ते थे, लेकिन ज्यादा नफलों के ऊपर कोई कैद नहीं। अगर कोई 20 पढ़ता है या आप किसी मस्जिद में पढ़ते हैं और वहां 20 में कुरान पाक का सिपारा पूरा हो तो सिपारे को पूरा कीजिए और उसमें 20 पढ़ने में हर्ज नहीं है, उसको 20 तक पढ़ जाइए। यानी ये ऐसी चीजों में से नहीं है कि जो हराम हलाल के दायरे में आती है या नऊज बिल्ला किसी बिदत और उसमें आती है। इसमें बुनियादी तौर पर बात यह है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि बाज लोगों के नजदीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत 8 ही थी और अगर कोई ज्यादा पढ़ना चाहे तो उस पर कोई एतराज नहीं। तो इसमें यह है कि अगर आप किसी ऐसी मस्जिद में हैं कि जहां पर 8 पढ़ रहे हैं और सिपारा वहां मुकम्मल हो गया है तो उसमें आप ये ना समझे कि हम गुनाहगार हो रहे हैं। उनमें क्या होता है कि क्याम लंबा हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये क़ियामुल्लैल ही था, यानी रात की नमाज थी। और तरावी इसलिए कहते हैं कि जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इसकी बाकायदा जमात का आगाज किया तो फिर 4 रकत के बाद लोग थोड़ा सा आराम करते थे, आराम से मुरादी की थोड़ा सांस लेते, फिर उसके बाद 4 और फिर 4, तो इसलिए इसका नाम तरावी पड़ा। यानी वो नमाज जो थोड़े थोड़े वक्फों के साथ अदा की जाती है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फेल दोनों से साबित है। आप अपने सहाबा को क़याम रमजान की तरगीब देते, तरावी जमात के साथ पढ़ना ज्यादा अफजल है। आपने अपने घर वालों और बीवियों को भी तरावी की जमात में शरीक किया और तवील क़याम किया, खुसूसन आखिरी अशरे में रात के क़याम के लिए जगाया। हजरत अबू ज़र फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोजे रखे, आपने 23वीं रात तक हमारे साथ रात की नमाज नहीं पढ़ी, फिर 23वीं रात को हमें लेकर खड़े हुए, यहाँ तक कि एक तिहाई रात गुजर गई, 1/3, इतना लंबा क़याम किया। फिर 24वीं रात को नमाज नहीं पढ़ाई, लेकिन 25वीं रात को आधी रात तक नमाज तरावी पढ़े, पहले से भी ज्यादा लंबा। हमने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी आरजू थी कि आप बाकी रात भी हमारे साथ नवाफिल पढ़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इमाम के साथ इसके फारिग होने तक नमाज में शरीक रहा उसके लिए पूरी रात का क़याम लिख दिया गया। यानी आगे में नमाज छोड़ के ना जाए, इंसान एंड तक साथ रहे। फिर आपने 27वीं रात तक नमाज न पढ़ाई, 27वीं रात को फिर खड़े हुए और हमारे साथ अपने घर वालों और औरतों को भी बुलाया, यहाँ तक कि हमें अंदेशा हुआ कि फलाह का वक्त न निकल जाए। रावी कहते हैं मैंने अबू ज़र से पूछा फलाह क्या है, तो उन्होंने कहा सहरी का वक्त। यानी इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नमाज का फिर कितना वक्त हो सकता है। यानी आपने 1/3 रात भी क़याम किया, आधी रात भी किया और तकरीबन सहरी का वक्त खत्म होने तक भी किया। इसीलिए आप देखें कि 27वीं रात को अमूमन बाज़ुकत लोग सारी रात क़याम करते हैं। अब ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल है, इससे हमें पता चलता है कि ये नमाज पढ़ी जानी चाहिए, ये नमाज जमात से करने में भी कोई हर्ज नहीं और इस नमाज में औरतों की शिरकत पर भी कोई पाबंदी नहीं, वो भी शरीक हो सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रोज क्यों नहीं पढ़ाई, इस डर से कि कहीं उम्मत पर फर्ज ना हो जाए। तरावी से पहले इन आयात का तर्जुमा पढ़कर जाएं जो इमाम पढ़ने जा रहा है, यानी जो सिपारा हो अगले दिन का, उसको जरा एक दफा देख ले कि क्या आज पढ़ा जाएगा, ताकि खुशू खुजू कायम रहे। नमाजों में सिर्फ नवाफिल की तादाद पर नहीं बल्कि दिल की कैफियत और खुशू पर भी खास तवज्जो दें। यानी सिर्फ नंबर ऑफ रका के ऊपर नहीं जाएं बल्कि ये भी देखें कि उनकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और रमजान के अलावा 8 रकत पढ़ते थे। हजरत आयशा कहती है तुम नहीं जानते कि उनका तूल और उनका हुस्न क्या था, यानी वो रकतें कितनी खूबसूरत और कितनी लंबी होती थी। तो बाज़ुका एक मैराथन रेस लगी हुई होती है, बस खड़े हुए बैठे उठे बैठे उठे बैठे 20 पूरी के खत्म किया। तो असल चीज ये है कि आप कितनी तवज्जो से अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हैं।